नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में। मैं हूं वंदना शर्मा। कोरोना संकट के कारण देश भर में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आई। अब मोदी सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए प्लान तैयार किया है, ताकि उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार ने देश के 116 जिलों की पहचान की है। इन जिलों में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर लौटे हैं। सबसे ज्यादा मजदूरों की वापसी वाले 6 राज्यों के 116 जिलों में केंद्र सरकार की सामाजिक कल्याण और सीधे लाभ वाली योजनाओं को तेजी से मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य घर लौटे प्रवासियों के लिए आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत तेजी से काम होगा। साथ ही हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी इन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बाकी केंद्रीय योजनाओं का भी लक्ष्य तय कर लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों को भी कहा गया है कि 2 हफ्ते में इन जिलों को ध्यान में रखकर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करके पीएमओ को भेजें। केंद्र सरकार की तरफ से चयनित 116 जिलों में 32 जिले बिहार के हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के 31 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, झारखंड के 3 और ओडिशा के 4 जिले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए उन्होंने कई क्षेत्रों को आर्थिक पैकेज देने की भी घोषणा की है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि लगभग 1 करोड़ मजदूरों को ध्यान में रखकर एक साथ कई योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद ये मजदूर अपने राज्यों में ही बेहतर रोजगार पा सकेंगे और ऐसा होता है तो भविष्य में किसी भी कोरोना जैसे संकट में इन मजदूरों को पलायन करने की नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। साथ ही हर अपडेट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।